मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड द टॉपिक इज फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया. व्हाट इज हैपनिंग इन न्यू दिल्ली, कुछ एथलीट्स एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल. साक्षी, विनेश और बजरंग, टू आर द फीमेल मेडल विनर्स ऑफ द इंडियन रेसलिंग फेडरेशन एंड वन इज द मेल. So probably they have the complaint against the Wrestling Federation of India, Bhushan Saran ke khilaf unki complaint hai ke unhone ye apna saans liya hai jiski wajah se unhone apna sit in kiya hua hai ke probably jo chief hain sports ke aur bhi jo concerned officers hain वो फीमेल एथलीट्स को प्रोबेबली है सेक्सुअली हरास करते हैं. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है उनसे उनकी कंप्लेन है कि सेक्सुअल हरासमेंट वो करते हैं. साक्षी और विनेश ने ये क्लेम नहीं किया कि ये ब्लेम उनके ऊपर है या उनको कोई शिकायत है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो एथलीट्स हैं उनको प्रॉब्लम है. हरियाणा स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि उनको मालूम हुआ है कि कुछ को जो एथलीट्स हैं साक्षी, विनेश और बजरंग के, वो हरियाणा स्टेट से हैं. उन्होंने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट को इस बात का इशू हो गया है और आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, वो इस पे काम कर रहे हैं. जबकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस बात पे बाधित हैं कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही. इन द मीनवाइल द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे आर मेकिंग क्लेम दैट दे आर टेकिंग एक्शन ऑन इट, और उन्होंने 72 आवर्स के अंदर जो है जो कि WFI से जो है रिपोर्ट तलब कर लिए कि व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज. बहुत सारी पार्टीज इस पे चुप हैं क्योंकि बीजेपी के कंटिन्यूअसली 6 दफा पार्लियामेंट के मेंबर है, 6वीं दफा ये पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं जो भूषण सारण है, जिनके पास वर्ल्ड फेडरेशन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चार्ज है. बड़े पावरफुल बीजेपी के मेंबर हैं और बीजेपी और RSS आइडियोलॉजी को जो है वो फरोग दे रहे हैं. जबकि कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी साहिबा ने भी ये बात की है कि प्रोबेबली इस मैटर का है इन डेप्थ इंटरोगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो नेशनल एथलीट्स हैं जो कि एथलीट्स ऑफ इंडिया हैं, दे आर द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडिया, और इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट को है प्रोबेबली इससे खतरा हो रहा है, और इससे जो इंडिया के लिए वो प्राइड ला रहे हैं बाहरी कम्युनिटी से, उसको इंडियन नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, तो इस पर इंटरोगेशन होनी चाहिए. ये तो एक बर्निंग इशू है व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट बीजेपी उस पर क्या स्टेप ले रही है. बीजेपी इसके अलावा कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है इंडिया के अंदर. व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द इंडिया. क्या इंडिया आज भी वो एक जमहूरी रियासत है जिसको वो क्लेम करते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट. क्या एक माइनॉरिटीज, चलो वो तो माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, विनेश, साक्षी और बजरंग, दे आर द कोर इंडियन एथनिक्स, उनके राइट्स का कुछ क्यों नहीं बन रहा. क्या बीजेपी अब अपने लोगों के खिलाफ भी ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर हो गई है. क्या वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी एक सेकुलर स्टेट और नॉट अ सेकुलर स्टेट. क्या वो सिर्फ हिंदुओं को रहने के लिए हिंदुस्तान है. क्या मुसलमान, सिख और बहुत सारे क्रिश्चियंस वो इंडिया के अंदर नहीं रह सकते. क्या इसको हम कहेंगे कि दिस इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द सेकुलर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू.